तो लो जी, अपना यहाँ पर सारा सामान निकल चुका है जो जो गाड़ी में लगेगा। बेसिक सेटअप जिसमें अगर एक आप एम्पलीफायर 4 चैनल का और एक वूफर लेते हैं तो अराउंड 15,000 से 20,000 में आपको अच्छा सेटअप मिल जाता है। और भाई साहब, डैम्पिंग लगाने के बाद गेट का हैवीनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई है। पहले तो ऐसे हल्के से गेट लगते थे, बट अब लग रहा है भाई साहब कुछ मजबूत चीज है। टाटा के दरवाजे है ना। एक्चुअली ना लोगों को ना समझ नहीं आता था कि डैम्पिंग का फायदा है क्या। उनको लगता है कि हम लोग ना कई बार क्या होता है, माल बेचने के लिए झूठ बोल रहे हैं कि जबरदस्ती उनकी गाड़ी में ऐसी चीज लगा रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर डैम्पिंग का फायदा बहुत है। अब आवाज सुन सकते हो, ठीक है? इसके बाद इसमें हो रखी है डैम्पिंग। जमीन आसमान का अंतर ही देखो। स्पीकर की लाइफ 1.5 से 2 साल में स्पीकर खराब हो जाता है, कोई भी स्पीकर हो। अच्छा। चाहे वो 5 लाख का स्पीकर है, चाहे वो 50,000 का स्पीकर है, चाहे वो 1.5 लाख का स्पीकर है, इसको लगाने से 5-6 साल खराब नहीं होगा आपका स्पीकर। पूरा ये साउंड सिस्टम जो लगा, डैम्पिंग हुई है, सब काम हुआ, ऑडियो का क्या खर्चा आ गया? ऑडियो का आपका जो टोटल कॉस्ट बनी है, तेरे को और नया दिन, एक और नई गाड़ी। ये है भाई अपनी माफिया स्कॉर्पियो एंड आज इसमें होने वाला है भाई म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड, वो भी नेक्स्ट लेवल वाला। अभी तो फिलहाल इसमें ना 12 स्पीकर्स का आपको सोनी का सिस्टम मिलता है। ये देखो, सोनी की यहाँ पे बैजिंग दे रखी है। बट जो म्यूजिक लवर्स है ना भाई, उनके लिए इनफ है भी, इनफ नहीं भी है। मैं बताऊँ तो भाई मुझे लगता है थोड़ा सा अपग्रेडेबल है भी है, थोड़ा नहीं एक्चुअली में ज़्यादा अपग्रेडेबल है। तो अपग्रेड करवाने के बाद हम मस्त इसमें से जो है गाने वाने सुन सकते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि ज़रूरत पड़ रही है इसमें लगवाने की अपना म्यूजिक सिस्टम। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हमने इसमें सारा बेसिक जो मॉडिफिकेशन थी वो कंप्लीट करवा ली थी, इसलिए आज इसमें होने वाली है भाई म्यूजिक सिस्टम की अपग्रेडेशन। फटाफट से भाई निकलते हैं, बिल्कुल भी ना देर नहीं करनी, लेट्स गो। लो भाई साहब, जिस चीज का डर था वही हुआ। दो लाखों कह रहा हूँ, एम्बियंस मॉल वाले रोड पे जाम जो है वो लग चुका है, जबकि टाइम 11 बज गए यार। अरे 11 बजे तो मुझे पहुंचना था वहां पर, यहीं 11 बज गए, बहुत लेट हो गया भाई। भगाओ जल्दी जल्दी। लो भाई, करोल बाग पहुंच चुके हैं। फटाफट चलते हैं कमल भैया के पास और अपनी स्कॉर्पियो एन में तड़कता भड़कता क्रेजी वाला ऑडियो सेटअप करवाते हैं। लो जी, पहुंच गए हैं दुकान पे और अभी यहाँ पे गाड़ी जो है वो अपनी लग रही है एंड सबका रिएक्शन भाई तगड़ा आ रहा है कि मैड पीपीएफ करवा रखी है ना, तो वो थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। लेट्स गो, यहाँ पे अब होगा काम मस्त अपना गाड़ी में। तो लो जी, अपना यहाँ पर सारा सामान निकल चुका है जो जो गाड़ी में लगेगा। भैया, इसके बारे में बताने से पहले ना, हाँ, दो तीन क्वेश्चन है मेरे ऑडियो से रिलेटेड, हाँ, वो क्लियर कर देते हैं लोगों का। सबसे पहले तो जो लोग, कोई भी गाड़ी हो, बेसिक सेटअप कितने से स्टार्ट होता है एंड हाई एंड कितने तक जाते हैं? बेसिक सेटअप जिसमें अगर एक आप एम्पलीफायर 4 चैनल का और एक वूफर लेते हैं तो अराउंड 15,000 से 20,000 में आपको अच्छा सेटअप मिल जाता है। अच्छा, ठीक है। अगर इससे ऊपर आप जाते हो जिसमें आप कॉम्पोनेंट को एक्सियल स्पीकर ऐड करते हो, डैम्पिंग करते हो, हाई लो कन्वर्टर लगता है, तो अराउंड 35,000 से लेकर 45,000 के बीच में आपको एक अच्छा सेटअप मिल जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा बेसिक सेटअप मिल जाता है, एक अच्छा सेटअप मिल जाता है आपको, बढ़िया आउटपुट जिसकी क्लैरिटी वगैरह बिल्कुल टॉप नॉच होगी। ठीक है, और हाई एंड कितने तक? हाई एंड में तो देखो फिर कोई रोकथाम नहीं है, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक का भी आप ले सकते हो, डिपेंड करता है आपका टेस्ट कैसा है। ठीक है। तो और दूसरी चीज, अभी ना हम आपको एक एक चीज डिटेल में बताएंगे। लोगों को क्या है ना कि जैसे वो शॉप पे जाते हैं तो कई शॉप वाले मिसगाइड कर देते हैं, ये भी लगा लो, वो भी लगा लो, तो आप बताओ ये इतना सामान पड़ा है क्या? एक ना जेबिल का कंपोनेंट आता है बेसिक, ठीक है, जिसमें 450 वाट लिखी होती है। अच्छा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको 450 वाट आउटपुट दे रहा है और आपको बहुत अच्छी चीज लेके जा रहे हो, बिल्कुल बेसिक स्पीकर है। अच्छा, तो वोल्टेज जो होता है ना, मैक्सिमम जो स्पीकर कंपनियां मेंशन करती है वो गलत करती है, ठीक है, या वो PMPO करती है या वो हाई लिखती है जो नॉर्मल वोल्टेज होती है, ठीक है ना। मेन होता है RMS। अच्छा, और RMS में भी बहुत झोल है। ऐसा नहीं किसी ब्रांड में 100 RMS है, किसी में 60 RMS है, तो रेट उसमें क्वालिटी में बहुत फर्क आ जाएगा। अच्छा। हर ब्रांड की अपनी डिफरेंट तरीके का तरीका है नापने का उसको। समझ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एक पहले कंपोनेंट बताओ जो आप वो 10-15 स्टार्टिंग JL ऑडियो के कंपोनेंट से करूंगा मैं, जो मेरे मत बताओ। अच्छा, पहले ये बताओ कि जो 10-15 हज़ार वाला था उसमें कौन से कंपोनेंट इनमें से यूज होते हैं, मतलब क्या चीज यूज होती है? मतलब जो आपको मैंने 15,000 बताया था, 15 से 20,000 रुपए का, उसमें मैंने आपको कंपोनेंट नहीं बताया था, उसमें मैंने आपको वूफर बताया था, जैसे JBL का वूफर हो गया, या आपका सोनी का वूफर हो गया, या पाइने का वूफर हो गया, साथ में 4 चैनल एम्पलीफायर हो गया कोई भी अच्छा का, अच्छा, और वायरिंग डलेगी, तो 15 से 20,000 में आपको एक अच्छा सेटअप मिल जाता है जिसमें आपकी बेस बढ़ती है। तो उसमें स्पीकर स्टॉक रहे, स्पीकर स्टॉक रहेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ज्यादातर कई बार करते हैं कि हम ओरिजिनल स्पीकर्स पे एम्पलीफायर का लोड डाल देते हैं। अच्छा, तो स्पीकर्स की आवाज भी अच्छी हो जाती है, एफिशिएंसी बेटर हो जाती है। ओके, और सिंक्रोनाइज हो जाती है। ठीक है, फिर एक लेवल ऊपर जाओगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि 35 से 45,000 के बीच में, जिसमें हम डैम्पिंग करेंगे डोर्स में आपके, और स्पीकर उसमें हम मॉडल मैक्सिमम के लगा सकते हैं। अच्छा, MK2 मॉडल आता है, MK3 मॉडल आता है, ठीक है, JL का लगा सकते हैं, C1, ठीक है,
और कंपोनेंट्स को एक्सेल में क्या फर्क होता है थोड़ा सा? कंपोनेंट में क्या होता है कि उसमें क्रॉसओवर सेपरेट आता है, ट्विटर सेपरेट होता है। अच्छा, तो जो आवाज है उसकी फ्रीक्वेंसी जो क्रॉसओवर होता है उस आपसे सेट करता है कि वो स्पीकर को अलग फ्रीक्वेंसी देता है और आपके ट्विटर को अलग देता है। अच्छा, आवाज हायर वॉल्यूम में डिस्टॉर्ट नहीं होने देता। ठीक है, तो इन शॉर्ट जैसे अगर कंपोनेंट है तो उसमें दो स्पीकर आएंगे, दो ट्विटर होंगे, दो क्रॉसओवर होंगे। ठीक है, और अगर क्रॉसओवर नहीं भी है तो मतलब एक्टिव स्पीकर है तो वो भी उतना ही एफिशिएंटली काम करेगा। ठीक है, और ये जो है कोएक्सियल, इसमें कोई ट्विटर नहीं आएगा? इसमें ट्विटर होगा, इनबिल्ट होगा स्पीकर के बीचों बीच में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं मेरे वाले सिस्टम पे कि एक एक करके क्या क्या यूज कर रहे हैं। सबसे पहले डैम्पिंग से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले डैम्पिंग जो हो रही है वो एसटीपी की हो रही है, डेविल्स गोल्ड है एडिशन ये। अच्छा, 3 mm थिक है ये। ठीक है, 3 mm थिक है और मेड इन रशिया है ये, वन ऑफ द मतलब ओल्डेस्ट ब्रांड है डैम्पिंग के अंदर। ओके, जितना ज्यादा थिकनेस उतना बेटर? हाँ, उतना मतलब थिकनेस ज्यादा होगी तो उतना इंसुलेशन रेशियो ज्यादा होगा। ठीक है, उतना ही जो बाहर का आपका शोर है, जितना नॉइस है वो अंदर गाड़ी के अंदर कम आएगा। ठीक, डोर उतना ही हैवी हो जाएगा आपका। वो डैम्पिंग एक्चुअल में यूज किस लिए होती है? डैम्पिंग मेनली मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ डैम्पिंग का। कुछ सेटअप बनाए हुए भैया ने डैम्पिंग एक्सप्लेन करने के लिए। एक्चुअली ना लोगों को ना समझ नहीं आता था कि डैम्पिंग का फायदा है क्या। उनको लगता है कि हम लोग ना कई बार क्या होता है, माल बेचने के लिए झूठ बोल रहे हैं कि जबरदस्ती उनकी गाड़ी में ऐसी चीज लगा रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर डैम्पिंग का फायदा बहुत है। अब आवाज सुन सकते हो? ठीक है, इसकी बात। ओ भाई साहब, इसमें हो रखी है डैम्पिंग। जमीन आसमान का अंतर ही देखो। अच्छा, तो ये डैम्पिंग शीट इसमें लगा रखी है। अभी डैम्पिंग पूरी भी नहीं हुई हुई, अब देखोगे ना सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में किया हुआ है, बट उससे शीट में कितना फर्क पड़ जाता है। ओ भाई साहब, क्योंकि जितना हम गाड़ी चला रहे हैं स्पीड पे, हमारे टायर घूम रहा है, इतना ही प्रेशर रोड पे रहता है, बाहर का नॉइज है, हवा का नॉइज है, हर चीज का नॉइज है, वो कम हो जाता है गाड़ी के अंदर आना। आपको पीसफुल फील होता है, डैम्पिंग का बेनिफिट बहुत है। ये तो होगी पहली लेयर जो हम लगाते हैं पीछे की तरफ, और जो आगे की तरफ लगाते हैं हम लोग वो होती है मेनली स्पीकर डेप्थ के लिए। अच्छा, ठीक है, एक तो वो सेकंड इंसुलेशन शीट हो जाती है कि अगर इसको भी कोई शोर पार कर गया तो उसको पार ना कर पाए। ओके, और दूसरा स्पीकर की डेप्थ बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर कोई ज्यादा अपना ऑडियो अपग्रेड नहीं भी करवा रहा फिर भी डैम्पिंग करवा सकते हैं? मतलब आप ब्रांड न्यू गाड़ी शोरूम से लाके आप डैम्पिंग करा सकते हो। आपको खुद को फील होगा कि आपके स्पीकर्स की डेप्थ बढ़ गई है और बाहर की रोड नॉइस कम आ रही है, दरवाजा कम खड़क रहा है, बहुत चीजों का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये डैम्पिंग जो है वो पर शीट के हिसाब से कैलकुलेट होता है? पर शीट के हिसाब से प्राइस होता है इसका। अब जितनी आप शीट लगा रहे हो डोर्स में उतने पैसे लगेंगे। अच्छा, और अगर आप फ्लोर और छत भी डैम्प करा रहे हो उसका लेबर चार्ज एक्स्ट्रा होता है। तो हमारी स्कॉर्पियो है ना, अगर कोई सेम लाते कितनी शीट लग जाएगी? आपके चारों डोर्स के अंदर 10 शीटें लग जाती है, 2.5 शीट पर दरवाजा लग जाती है, जिसमें हम 2-layer डैम्पिंग करते हैं। ठीक है, अंदर बाहर। और पर आपकी गाड़ी में तो मैं 3-layer डैम्पिंग कर रहा हूँ। अच्छा, पहले इसका प्राइस बताओगे पर शीट का क्या पड़ेगा? जैसे अभी इसका सेलिंग प्राइस जो है 1300 rupees है विद इंस्टॉलेशन लगा के। ठीक है ना, मतलब विद इंस्टॉलेशन पर शीट ये सेलिंग प्राइस है, ये MRP नहीं है। ठीक है ना, मतलब 10 शीट लगी तो 13,000 रुपए का खर्चा। हाँ जी, विद लेबर है। और ये मतलब कहूंगा बेस्ट डैम्पिंग है जो मेरे पास अवेलेबल है, और थिक भी है, 3 mm में। और स्टार्टिंग रेंज कितने रुपए में से? स्टार्टिंग रेंज जैसे मेरा एनाउंस ब्रांड है और कई सारे ब्रांड है तो 700 रुपए से शुरू हो जाती है पर शीट। पर शीट, ठीक है। अब ये क्या बता रहे हो, अब ये क्या चीज है? ये 3-layer डैम्पिंग कर रहे हैं हम आपकी गाड़ी के अंदर। मतलब 2 layer इसकी होगी? हाँ, 2 layer तो ये होगी जो ये मेटल बॉडी पे होगी। ठीक है ना, 3rd layer जो होगी ये प्लास्टिक के ऊपर होगी। अच्छा, जो गत्ते होते हैं गत्ते पे होगी, ताकि जो गत्ता होता है ना और आपका जो लोहा होता है दोनों में आपस में कई बार क्या होता है खड़खड़ाते हैं, कहते हैं दरवाजा खड़क रहा है। ठीक है, ये लगाने से खड़केगा नहीं। ओ, तो ये अकूस्टिक का काम करता है? ये अकूस्टिक तो सारी चीज अकूस्टिक के लिए ही है। तो मेनली ये अपने जैसे हम स्टूडियोज में भी लगाते हैं ना, हाँ, तो पैनल उस टाइप का ही होगा। ये वही शीट है जो आप लोग वॉल्स पे भी लगा सकते हो, फ्लोर पे भी लगा सकते हो, छत पे भी लगा सकते हो। तो डिपेंड करता है कौन सी सरफेस है, कितनी जगह है। तो ये कितनी सीट यूज होगी अपने? ये अराउंड 4 शीटें लग जाएंगी चारों डोर के। और क्या प्राइस है पर शीट? ये पड़ती है 1200 रुपए की शीट। ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद अगला स्टेप क्या आता है? अगला स्टेप स्पीकर्स। और स्पीकर में जी मेरा फेवरेट JL ऑडियो C2 लगाएंगे आपकी गाड़ी के अंदर। ठीक है, फ्रंट में कॉम्पोनेंट लगाएंगे और रियर में कोएक्सियल लगाएंगे। ठीक है ना, और इनके तो मतलब ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है, ब्रांड बहुत अच्छा है, 60 RMS है दोनों। ये भी 60 RMS है, ये भी 60 RMS है। ठीक है, ठीक है। और MRP क्या रहेगा इनका? इनकी इसकी जो MRP है 30,000 है, इसकी MRP 21,000 है। ठीक है, तो ये MRP प्राइस है एंड में आपको, ये सेलिंग प्राइस नहीं है। सेलिंग प्राइस हम लास्ट में आपको या तो टोटल बता देंगे, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज मेरा जैसे टॉप मॉडल है स्कॉर्पियो का, इसमें 12 स्पीकर का सिस्टम आता है सोनी का, उसमें से हम क्या क्या यूज कर रहे हैं और क्या क्या हटाएंगे? वो आपका जो सेटअप है वो कुछ भी नहीं हटा रहा, उसमें वो सब चलता रहेगा आपका।
ठीक है, आपका जो वूफर लगा वो भी चलता रहेगा, जो आपके ऊपर रूफ पे स्पीकर्स लगे हैं वो भी चलते रहेंगे। अच्छा, वो अपना चलता रहेगा जैसा भी चल रहा है, हम उसमें एड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग स्पीकर्स की एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर बेस बढ़ा रहे हैं, ताकि जो अभी आपको कमी फील हो रही है ना वो कमी फील नहीं होगी। तो एग्जिस्टिंग जो चार स्पीकर्स है वो निकलेंगे और दो ट्विटर निकलेंगे, दो ट्विटर निकलेंगे और ये लग जाएगा, बाकी जो वूफर वगैरह वो भी लगा रहेगा, प्लस अपना भी, अपना वूफर भी लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे आप कह रहे थे कि आप ट्रैवलिंग करते हो, आपको कई बार वूफर उतारने की जरूरत पड़ेगी, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका वो ओरिजिनल जो वूफर है वो चलता रहेगा, मतलब वो आपको बढ़िया आवाज देता रहेगा तब। समझ गया, ठीक है। अगला स्टेप क्या है? तो अगला स्टेप मैं वूफर की तरफ चलूंगा, वूफर भी हम जेएल ऑडियो का 12 इंच लगाएंगे आपकी गाड़ी के अंदर, और ये जो वूफर है ये 300 आरपीएम है इसकी। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, जैसे इसमें लिखा हुआ है 300 वोट, कई JBL के मैंने देखा 1500 वोट, 1200 वोट, सर वो क्या होता है? वो मैक्स पावर होती है। ठीक है, वो होता है कि हमने जी उसको 1500 RMS से लगाया तो एक बार वो उठा लिया, मतलब अप टू एक बार जा सकता है, पर रेगुलर में नहीं चलता था, कंटिन्यूअस आरएमएस जो होती है, JBL जो है 325 मेंशन करता है। अच्छा, और मेरे हिसाब से वो हार्डली 200-225 के आसपास ही होता है वो। तो ये डायरेक्टली रिलेटेबल है बेस से कि कितनी ज्यादा आरएमएस, एक्चुअली मेनली कंटिन्यूअस पावर है। आप आधा घंटा पौना घंटा कितना कंटिन्यूअसली चला सकते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस पावर। ओके, और ये 10 इंच 12 इंच का क्या चक्कर होता है? साइज होता है, जगह के हिसाब से होता है कि आपको कितनी जगह चाहिए। अभी जैसे हम पहले 10 इंच आपकी गाड़ी में ट्राई कर रहे थे, फिर मेरे को फील आया नहीं कि 12 इंच ही आ जाएगा आराम से। तो बेस का फर्क है दोनों? हाँ, जितना मतलब अगर आप डायमीटर बड़ा होता जा रहा है उतना ही ज्यादा अच्छा पंच आएगा, उतना ही अच्छी आपको आउटपुट आएगी, चाहे आरएमएस दोनों में सेम मेंशन हो। अच्छा, ठीक है। ये इसका क्या एमआरपी रहेगा अपना? इसकी जो एमआरपी है आपकी 18,000 रुपीज की है। ये सिर्फ वूफर की एमआरपी है, बॉक्स अलग है, बॉक्स की कॉस्टिंग अलग है। अच्छा, जो जिसमें एनक्लोजर में लगाएंगे, एनक्लोजर भी हम जेएल ऑडियो के लगाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे गाड़ी में लगाते हैं वक्त। ठीक है ना, और प्राइस के लिए मैंने बताई दिया था, व्हाट्सएप पे बता देंगे आपको। अगला स्टेप हमारा एम्पलीफायर का 4 चैनल। ठीक है, ठीक है। अब जो हमारा स्पीकर्स को, जो हमारे वूफर को ड्राइव कर रहा है, वो बहुत चीज मैटर करती है। तो ये काफी पावरफुल एम्पलीफायर है, इंडियन ब्रांड है इंटरफायर, और मैं कई सालों से लगा रहा हूँ, ट्राइड एंड ट्रस्टेड ब्रांड है, तो इकोनॉमिकल भी है, अच्छा है, तो पूरे सेटअप में हमारा अच्छा आउटपुट देगा ये। और ये 4 चैनल 6 चैनल 5 चैनल ये क्या होता है? 5 चैनल में क्या होता है कि जैसे आपने 4 चैनल स्पीकर पे दे दिया, एक वूफर पे दे दिया, ठीक है, 6 चैनल पे आप स्पीकर और लगा सकते हो। अच्छा, तो कई सारी चीजें होती है, आजकल DSP वाले एम्पलीफायर भी आते हैं, बट कितना लोड ले सकते हो उस पर वो भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो हमारी गाड़ी के लिए ये सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी गाड़ी में पूरा सेटअप हो रखा हुआ है। ठीक है, इससे क्या होगा, फ्रंट 2 चैनल से हम 4 स्पीकर चलाएंगे और रियर चैनल से हम वूफर चलाएंगे। ठीक है, तो अभी जो ट्विटर वगैरह उसके लिए नहीं एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट होती, जो ऑलरेडी लगा हुआ है उसको हम छेड़ ही नहीं रहे। अच्छा, वो एम्पलीफायर लगा भी हुआ है गाड़ी? हाँ, एम्पलीफायर आपकी गाड़ी में ऑलरेडी है जो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, वो ड्राइव कर रहा है, आपके जो ओरिजिनल आपके जो लगे हुए हैं ऊपर रूफ पे स्पीकर लगे हुए हैं, आपका वूफर लगा हुआ है और आगे सेंटर स्पीकर लगा हुआ है आपका, जो वो सब चलता रहेगा। ठीक है जी, इसके बाद ये वायर्स वगैरह क्या है? वायरिंग 1 & only ब्रांड जो मैं रिकमेंड करता हूँ सबको वो है स्कॉशे की। अच्छा, ठीक है ना, कई बार लोग आते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ना इसकी MRP है अराउंड आपकी 4500 रुपीज की। अच्छा, डिस्काउंट मिल जाता है इसके अंदर, बट लोग आके हमें कहते हैं हमें 500 वाली वायर दे दो, 600 वाली वायर दे दो। हाँ, मैं अपनी इस काउंटर से वो वायर नहीं बेचता हूँ। अच्छा, ठीक है ना, वायर आप मेरे से अगर 15 तक भी सिस्टम लगा रहे हो ना, तो वायर में ये डालूंगा। तो ये किस चीज में कनेक्ट होती है वायर, किसकी? ये बैटरी से पावर ली जाती है, जो रेड वाली वायर है गाड़ी की बैटरी। हाँ जी, उसको एम्पलीफायर से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, एक इसके अंदर रिमोट वायर होती है, वो भी एम्पलीफायर से कनेक्ट की जाती है, जैसे वो सिग्नल देती है। हाँ, कि आपकी गाड़ी बंद हो गई है, तो वो सिग्नल देगी एम्पलीफायर को कि तू भी बंद हो जा। अच्छा, ठीक, ठीक है, उसको रिमोट वायर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। एक RC लीड होती है, अब जैसे हम आपकी गाड़ी में हाइलो कन्वर्टर लगाएंगे, ये इसका क्या रोल है? हमारी गाड़ी में ना एम्प आउट नहीं होता। अच्छा, तो RC इन नहीं कह सकते, एम्पलीफायर में जो RC लगती है उसके लिए ये इन बिटवीन आपके स्पीकर की वायर और एम्पलीफायर के बीच में ये हाइलो कन्वर्टर लगता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर एक RC वायर होती है जो हाइलो कन्वर्टर पे लगेगी, और एक RC लीड एक्स्ट्रा लगेगी, वही है वो 4 चैनल करने के लिए। ठीक है, तो जो भी सारा ब्रांड जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं हम सब, ये रॉकफोर्ड फोर्सगेट का प्राइस वगैरह बता दो। इसकी जो MRP है आपकी, वो ये भी 4500 की MRP है, ये भी डिस्काउंटेबल है। ठीक है, बट ये बेस्ट हाइलो कन्वर्टर है जो मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, और ये वाला X2 ये क्या है? ये X2 भी इसी के ही पार्ट है वायरिंग का। वायरिंग एक्चुअली 2 चैनल होती है। अच्छा, उसको 4 चैनल करने के लिए RC लीड एक्स्ट्रा डलती है। तो ये है कॉपर, ये भी पूरा ये CCL वायर है, इसमें आपका 85% कॉपर होता है। अच्छा, ठीक है ना, और ये इनफ है हमारी गाड़ी के लिए, इसमें 100% कॉपर वायर भी आती है, बट दिस इज इनफ फॉर आवर कार। ठीक है जी, और ये वायर सारी हो गई है, इसके अलावा भी कुछ वायरिंग होती है? इसके अलावा स्पीकर वायर डलेंगी। हाँ, वो स्पीकर वायर मेरी अपनी वायर है, मैं अपना खुद की इंस्ट्रक्चर करता हूँ, कॉपर वायर है वो डलेंगी।
ठीक है जी। तो ये था भाई पूरा ऑडियो का सेटअप, डिटेल में आपको हमने इन्फॉर्मेशन दे दी कि जिस हिसाब से बजट है वो आप पार्ट उतने उतने बजट में कर सकते हो। मेरे पास बजट हर बजट में है, डीडी ऑडियो भी है, मैंने आपको एक डीडी ऑडियो भी सजेस्ट किया था, ठीक है, और डीडी ऑडियो भी हमारे पास में, हेलिक्स है हमारे पास में, मॉरेल है, जेल है, जेल तो लगाई थी आपकी गाड़ी में, तो सारे अच्छे ब्रांड मिल जाएंगे हमारे पास। और ये जैसे अपना जेल ऑडियो है तो इसकी सी सीरीज 1 से शुरू होती है, C1, C2, C3, C5, C7, अच्छा बहुत महंगे हैं वो, मतलब C3 भी आपका जो है उसकी MRP 75,000 पे है, अच्छा C5 की अराउंड 1.5-2 लाख रुपए है, C7 की और ज्यादा है, पेयर का है मतलब। हाँ जी हाँ जी, उसमें भी 2-way 3-way बहुत आते हैं सेटअप, बट आई थिंक दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर कार। चलो ठीक है जी, तो अभी ये जैसे कोई भी अगर आता है लगवाने कितना टाइम लगेगा पूरी ये डैम्पिंग प्लस ये सेटअप? अराउंड स्कॉर्पियो में क्या होता है कि चारों दरवाजों से स्पीकर वायर उठानी पड़ती है, दोबारा डालनी पड़ती है, तो 5 घंटे का प्रोसीजर तो है ही है। ठीक है, मतलब 5 से 6 घंटे, 5 से 6 घंटे का प्रोसीजर तो है ही है। और बाकी ट्यून वगैरह भी आप ही करके दोगे अच्छे से? आउटपुट ट्यून वगैरह सब हम आपको करके देंगे, प्रॉपर इंस्टॉल करके देंगे। ठीक है, वारंटी इनकी बता दो जेल ऑडियो? टोटल सारे प्रोडक्ट की वारंटी 1 ईयर है। ठीक है जी, चलो चलो करते हैं भाई काम शुरू फटाफट से, गाड़ी तो लगी चुकी है और सारा सामान देते हैं बाहर भैया को। तो अभी वूफर के लिए, एंक्लोजर के लिए जो जगह देख रहे हैं भाई कितने इंच का लगेगा किसी हिसाब से फिर जो है वो बनाया जाएगा। इसमें तो वो ब्लैक सा जो बॉक्स लकड़ी वाला बन के आता है वही लगेगा ना? हाँ ना, बना बनाया आता है, देखते हैं अगर स्पेशली बनाना पड़ेगा तो फिर बना देंगे। हाँ हाँ, ये इतना स्पेस तो है, आ जाएगी अपनी डिब्बियों पे आ जाएगी। नहीं बट ऊपर फेस रहे उसका, वैसा जुगाड़ करना होगा वही है ना, फिर वो डिक्की पे आवाज मतलब इतनी खुल के निकल नहीं पाएगी, अटकेगा वो बार बार। यहाँ पर भैया ने डैम्पिंग का काम शुरू कर दिया और साथ ही साथ में वायरिंग भी जो है अपनी लगनी शुरू हो गई है। अच्छा ये शीट देती है महिंद्रा अलग से, ये किस चीज के लिए? भी इंसुलेशन के लिए भैया? ये देखो भाई, तो अंदर की तरफ वहाँ डैम्पिंग होगी, फिर एक वो वाली लेयर लगेगी, फिर डैम्पिंग होगी, मतलब 2 लेयर डैम्पिंग की और एक वो फोम वाली जो मैंने आपको दिखाई थी अंदर। बाकी ये स्पीकर्स अपने पुराने स्टॉक है ना ये भैया, ये निकाल के रख देना संभाल के। यहाँ से 2 स्पीकर अपने इधर, एक उधर से निकलेंगे और 2 पीछे से निकलेंगे। बाकी ये वाले जो ट्विटर है ना ऊपर वाले, ये तो लगे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो ट्विटर थे ना, एक इस पे और एक उस वाले पिलर पे, वो दोनों चेंज होंगे। तो टोटल 6 चीजें चेंज हो रही है यहाँ से, 2 ट्विटर अपना, 2 आगे के ये और 2 पीछे के ये वाले। देखो तो ये तो कंपनी के जो बोलते सोनी के है, बट इसमें देखते हैं भाई अपना बैजिंग है या नहीं है सोनी के पीछे से, क्योंकि एक्सयूवी वाले में बैजिंग तो नहीं थी, बट कई लोग कह रहे थे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग वो सोनी का ही था, तो इसको भी एक बार निकलेगा ना देखेंगे फिर। बाकी ये जो मिड लगा हुआ है सोनी का, ये लगा रहेगा, ये नहीं निकाल रहे। और पीछे एक ये वूफर लगा हुआ है, ये भी लगा रहेगा। इसके अलावा हम जो है वो जेएल ऑडियो का पीछे एक और वूफर लगाएंगे सब वूफर, तो उसकी अभी केसिंग आ रही है, 10 इंच वाला है, 10 इंच तो फिट आ गया, 12 इंच वाले की केसिंग आ रही है, वो लगा के देखेंगे तो बंद होगा या नहीं होगा वो पता चल जाएगा। एंड इस तरह से भाई पूरे जो है गेट के गत्ते वत्ते सब खोल दिए गए हैं, लॉक वॉक अच्छे से खोले ताकि कुछ भी लूज ना रहे और ना कुछ भी टूटे फूटे। अब वो डैम्पिंग होगी पूरी तो फिर मस्त मजा हो जाएगा। यहाँ पर अपना सारा सामान भाई जो जो लगने वाला आज। अच्छा अभी कुछ ये ब्लू सा लगाने लगे थे रबड़ का, क्या चीज है भाई? ये आपका जो है वाटर रिंग है और ये स्पेसर है और आगे ऊपर से स्पीकर लग जाएगा। इसको एज इट इज आप डोर में टाइट कर दो। इससे क्या होता है कि ये ऊपर से अगर पानी आ रहा है डोर के अंदर, चाहे आगे से आ रहा है पीछे बैक साइड से आ रहा है, स्पीकर तक नहीं जाएगा। अच्छा, इससे क्या होता है स्पीकर की जो ड्यूरेबिलिटी होती है ना, जो लाइफ टेन्योर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आमतौर पर एक स्पीकर अगर रेगुलर पानी जा रहा है आपके डोर के अंदर, स्पीकर की लाइफ 1.5 से 2 साल में स्पीकर खराब हो जाता है, कोई भी स्पीकर हो, चाहे वो 5 लाख का स्पीकर है, चाहे वो 50 लाख का स्पीकर है, चाहे वो 1.5 लाख का स्पीकर है। इसको लगाने से 5-6 साल खराब नहीं होगा आपका स्पीकर। आप फॉर्च्यूनर का जैसे बता रहे थे, एक कस्टमर का ऐसे ही हुआ था कि हार्डली 1.25 साल हुआ होगा तो 50,000 रुपए का स्पीकर था, खराब हो गया, और वो था भी आउट ऑफ वारंटी, तो उनका नुकसान भी हो गया। तो ये खुद बनाते हो आप? ये चीज मेरी खुद की बनती है, और भी कई लोग मैन्युफैक्चरर हैं जो इसको बनाते हैं, बट ये मेरा अपना खुद का प्रोडक्ट है, अपने ब्रांड नेम में है। अच्छा, मीटोक्यू के नाम से, और क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये चीजें क्या होती है, हमें जिसमें क्वालिटी इशूज आते हैं ना वो हम खुद ही डेवलप कर लेते हैं। ये ऐसा लग जाएगा, तो ये टेस्टेड है पूरा पक्का कि रुकता है पानी फिर? 100% बहुत लगा दिया अब तो। अच्छा चलो सही है। इसका क्या चार्ज लगेगा स्पेसर? ये स्पेसर का जो चार्ज होता है अराउंड 700 पर पेयर होता है ये। अच्छा, तो मतलब 2 स्पेसर लगेंगे? हाँ जी, 2 पेयर लगेंगे 1400 रुपए के। और ये इसी वाटर गार्ड का रेट में बता रहा हूँ आपको, स्पेसर तो ये 150 रुपए का पेयर होता है। ठीक है, ये देखो जी, ये है अपने स्टॉक जो स्पीकर आते हैं इसके अंदर, कहीं पर भी आप देख सकते हो सोनी की बैजिंग दे ही नहीं रखी। अब ये है सोनी का नहीं है हम कह नहीं सकते, क्योंकि लिखा कहीं पर भी नहीं है, बाकी
महिंद्रा ही जाने और सोनी जाने। तो ये चारों के चारों निकल चुके हैं, दो वो रे दो ये रे। और ये टॉप वेरिएंट में ना ऐसी जाली के अंदर ट्विटर फिट होके आता है, अगर आप Z4 लोगे ना तो उसमें ये जाली टाइप का नहीं मिलता, सिर्फ ओपन में आपको ट्विटर लगवाने पड़ेंगे। अभी क्या है इसके अंदर का ये जो ट्विटर है इसमें भी देखो कहीं भी सोनी की बैजिंग नहीं है, तो ये वाला निकल जाएगा इसमें से खुल के और अपना जो है वो लग जाएगा कौन से वाला, वो JL ऑडियो का C2। तो दे देते भैया वो, करने दो भैया टाइम। वायरिंग वगैरह सारी बैटरी से जाएगी तो वो भी आपको मैं दिखा दूंगा, फ्यूज वगैरह लगता है तो वो भैया एक बार डिटेल में भी समझा देंगे क्यों जरूरी है। अच्छा भाई लोग ये गलत बता देते, मैंने एक अंदर की साइड में डैम्पिंग की शीट लगेगी, फिर उसके ऊपर एक डैम्पिंग की शीट, और वो जो फोम वाली शीट थी वो गत्ते में लगेगी ना कि केस में, मुझे लगा अंदर लगेगी। भैया को देख रहे हो भाई साहब हाथ कितना तेज चल रहा है, पूरा पता है एग्जैक्ट कहाँ कहाँ पे क्या क्या कट करने हैं, उस हिसाब से जो है वो फिट होती जाएगी। अच्छा भैया ये जो स्पीकर्स लग रहे हैं इसमें कोई भी वायर कट तो नहीं होगी अपनी? बिल्कुल भी नहीं। तो वायर ना छीली जाएगी? ना छीली जाएगी भाई, वायर ना कट होगी, जो भी है अपना कपलर टू कपलर जो है काम होगा पूरा। ये हमारे लग चुके हैं यहाँ पे, डैम्पिंग का भी काम पूरा हो गया, अंदर वाली तो पहली हो गई थी, बाहर वाली भी भैया ने कर दी है, और साथ साथ ये रबड़ भी लग गया वाटर प्रूफिंग के लिए, ताकि लाइफ जो है वो स्पीकर की बढ़ जाए। अभी जो है वो गत्ता लगने वाला है, और गत्ते में जो है ये, इसको गत्ता कहते हैं, इसमें जो है अपना वो लगेगा फोम नहीं लगेगी, ऐसा क्यों? तो जो फोम वाली शीट थी भाई वो लग नहीं पा रही, भैया कह रहे जगह नहीं बच रही है, क्योंकि यहाँ पे अंदर भी ये कुशन टाइप के जो दे रखे हैं तो बंद नहीं हो पाएगा। तो अभी हम दो शीट की डैम्पिंग के साथ ही कर रहे हैं, तीसरी लेयर वो नहीं लगा रहे। यहाँ पे तो पूरा पैक कर दिया अंदर जो भी लगाना था सारा, एंड आगे का भी यहाँ पर लग चुका है इसके अंदर। अब ट्विटर की जो है वो प्लेसमेंट होगी और फिर कनेक्शन दे के कर देंगे। और अपना जो वूफर था ना भाई, उसके लिए भी ऊपर से ये जाली लग गई है, ताकि अगर हम सामान वगैरह रखेंगे तो वूफर कुछ भी डैमेज ना हो। और वैसे और भी कुछ फायदा जाली का है भैया? जी जाली का वैसे भी कुछ फायदा है आवाज से रिलेटेड, जाली का आवाज से तो कोई बेनिफिट नहीं है, ये कि आपका सेफ रहेगा। हाँ सेफ्टी के लिए, स्पेस कम है ना, अदरवाइज वो क्या गाड़ी की बॉडी पे टकराएगा। हाँ हाँ वही ठीक है। तो ये लग गया अब यहाँ पे आगे से ना, ये वाली दो वायर्स जो है वो पीछे की तरफ आती है, जो हमारे वूफर से कनेक्ट होगी, और ये हमारे 12 इंच का ये एनक्लोजर, इसमें अपना वूफर लग जाएगा। अभी भैया जाली फिट कर रहे हैं यहाँ पे अच्छे से, फिर यहाँ लगा के। अब ये क्या है ना, वूफर प्लग एंड प्ले वाला है भाई, जैसे मान लो कभी हमें लगेज के लिए स्पेस चाहिए तो इसमें से क्या है, ये नट खोल के अपना डिस्कनेक्ट किया और ये घर पे ही रख के चले गए, और अपना जो ये वाला वूफर है ना ये तो एक्टिवेट रहेगा ही, और स्पीकर भी काम करेंगे ही, तो आवाज़ में दिक्कत नहीं आएगी, मतलब थोड़ा बेस कम हो जाएगा ऑब्वियसली, बट ये ट्रिप पे काम आ जाएगा। बाकी नहीं है अगर मतलब 5 ही लोग जा रहे हैं तो फिर ये वाली सीट फोल्ड करके आराम से वूफर भी आ जाएगा और अपना लगेज भी आ जाएगा। तो सारे ऑप्शन है अपने पास, जो भी करना चाहे हम कर लेंगे उसी हिसाब से। बाकी फिलहाल अभी हम इसको यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, ये ड्राइव भी नीचे आएगा फिर सही हो जाएगा। अभी ना इसका फेस भाई इधर की तरफ है, डिक्की की तरफ, मैं चाहता था इसका फेस ऊपर की तरफ रहे ताकि ना अच्छे से बेस वो हो। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी ना सीट को भी ऊपर फोल्ड कर लेंगे, फिर इसको ऐसे खड़ा नहीं लेटा के रखेंगे, तब जो है ना बेस भाई प्रॉपर फील होगी गाड़ी के अंदर, वरना अभी यहाँ से बेस निकलेगी ना तो ये डिक्की से टकराएगी और फिर ये डिक्की भी बजती रहती है घूम, तो उसमें बड़ा बेकार लगता है, जैसे अपना थार में दिक्कत है ये चीज़। अब इसमें सही रहेगा जब फोल्ड हो जाएगी। अच्छा भैया ये एनक्लोजर का रेट बताना भूल गए थे, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज इसमें ये पूछनी है, अपना जैसे ये पूरा सिस्टम लगा है तो इसमें आपने बताया वारंटी 1 साल की है, बट कभी कभी क्या होता है एम्प की सेटिंग चेंज छिड़ जाती है या कभी दिक्कत हो जाती है, तो अगर आप किसी भी सिस्टम को छिड़वा रहे हो ठीक है, अगर आपने किसी डीलर से एम्पलीफायर की सेटिंग छिड़वा दी तो मेरी तरफ से वारंटी वर्ड है। अच्छा ठीक है, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो चाहे वो कोई भी कस्टमर हो, ठीक है, हमारी सेटिंग जो है वो हमसे ही आपने छिड़वानी है। हाँ। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी सर्विस पे गई है, कोई तार लूज हो गई है, कोई सेटिंग उनसे छिड़ गई है, तो आप हमसे आके रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो वो चार्जेबल रहता है या कैसे? डिपेंड करता है कितना काम है, अगर सिर्फ नॉर्मल सेटिंग है तो कोई चार्जेबल नहीं है, अगर आप तारे सारे निकलवा के लाके कहते हो एम्पलीफायर दोबारा लगा दो तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत चार्जेस होता है। भाई साहब डैम्पिंग लगाने के बाद गेट का हैवीनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई है, पहले तो ऐसे हल्के से गेट लगते थे, बट अब लग रहा है भाई साहब कुछ मजबूत चीज है, टाटा दरवाजे है ना, टाटा वाली फील आ रही है। नो डाउट भाई गेट मजबूत है, बट ये लगने के बाद ना डैम्पिंग और मजबूत हो गया तगड़े वाले। बाकी जितनी भी वायरिंग गई है भाई सब छुप गई है, नीचे नीचे से लेकर गई है, कहाँ से कहीं से तो यहीं से गई है शायद। और अपना जो एम्पलीफायर है वो लगेगा इन सीट के नीचे, इस वाली के नीचे, तो वो भी अभी सेटिंग होएगी दिखाऊंगा आपको। जो अपना एम्पलीफायर है वो भाई सेकंड रो के नीचे नहीं, आगे लेफ्ट वाली रो मतलब लेफ्ट वाली पैसेंजर सीट के नीचे रखा जाएगा, तो उसी का बस लास्ट कनेक्शन चल रहा है, बाकी वायरिंग तो हो चुकी है सारी। सारा जो मेन कनेक्शन गया वो यहाँ से बैटरी से गया है और कोई भी कटिंग नहीं है, डायरेक्ट देख लो भाई यहाँ पे ही जो है फिटिंग हुई है, और निकलते निकलते ये रेड वाली वायर जा रही है एम्पलीफायर में, फिर आगे जो है वो सिस्टम तक जा रही है, स्पीकर्स हो गए या फिर वूफर हो गए, तो ऐसे काम किया गया पूरा। अब सबको कनेक्ट किया जा रहा है, सबको ट्यून किया जा रहा है, क्योंकि ट्यूनिंग के बगैर तो भाई अच्छा रिजल्ट निकलने नहीं वाला, चाहे जितने भी महंगे स्पीकर लगा लो लेकिन ढंग से अगर ट्यून ही नहीं किया गया तो वो आउटपुट मिलेगा ही नहीं आपको।
तो उस चीज में तो पप्पू भैया भाई एकदम मस्त है, आपको पता ही है कितनी गाड़ियों में करा उन्होंने, अभी शोर बहुत है, करने देते हैं। अच्छा एक चीज और भैया, जैसे म्यूजिक का हमने इतना काम करवाया इसमें, अब कल को अगर जैसे म्यूजिक के रिलेटेड कुछ दिक्कत आती है तो कंपनी मतलब स्टीरियो से रिलेटेड सॉरी इनके जो अपना है वो कंपनी में दिखाया जाए या आपके थ्रू, क्योंकि वो तो कहेंगे आपने चेंज कर रखा। स्टीरियो में हमने एक्चुअली स्टीरियो को तो हमने टच भी नहीं किया ना, हमने स्टीरियो को खोला, हमने जितनी भी आपने स्पीकर्स की इनपुट लिए हमने आपके स्पीकर वायर से लिए। अच्छा ठीक है ना, तो और जो भी पावर लिया है बैटरी से लिया है, और रिमोट वायर जो होती है हम फ्यूज बॉक्स से लेते हैं। अच्छा तो स्टीरियो के पीछे तो आपका जो भी था एलईडी स्टीरियो, आपका कंसोल तो खोला भी नहीं हमने, ठीक है, तो उसमें वारंटी आपको कम नहीं देगी किसी भी चीज की। ओके। और तार कोई काटी नहीं गई, अगर वो बोलते हैं आपको कि कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आपने एक्सटर्नल सामान लगा रखा है तो वो निकल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके बिना जा सकते हो कंपनी में लगा के। ठीक है। और इसमें अपना फ्यूज भी होता है कोई, आगे एक पावर वायर में फ्यूज होता है क्योंकि वो होता है पॉजिटिव प्लस होता है, ठीक है ना, बाय चांस बॉडी को टच हो जाए, ग्राउंड को टच हो जाए, तो अगर वो फ्यूल नहीं होगा तो वो बंद हो सकती है वायर, इससे फ्यूल लगाया जाता है ताकि वो ब्लोन हो जाए और आपकी गाड़ी सेफ रहे। और ये वायरिंग जो हमने करी है स्कॉच की बढ़िया है, ये नंबर वन पूरे वर्ल्ड के अंदर। चलो जी, ट्यूनिंग वगैरह सब कर लिया है सिस्टम के अपने, और इस सीट के नीचे एम्पलीफायर भी हो गया, वो बड़े वाला तो आया नहीं तो एक छोटे साइज वाला लगाना पड़ा उसकी जगह, तो और भैया अभी बस सारा कुछ पैक कर रहे हैं, जितनी भी चीजें लगनी थी वो लग चुकी है। मस्त काम भैया पिछली बार की तरह एकदम मस्त हुआ, शांति से हुआ और फिनिशिंग के साथ हुआ, प्रॉपर भी काम था। हाँ बिल्कुल, तो पूरा ये साउंड सिस्टम जो लगा, डैम्पिंग हुई है, सब काम हुआ, ऑडियो का क्या खर्चा आ गया? ऑडियो का आपका जो टोटल कॉस्ट बनी है वो 86,000 की बनी है। ठीक है, और बाकी जो एक्सेसरी वो अलग है। अच्छा, तो मोटा मोटा अगर कोई 90,000 के बजट में आ रहा है तो उसको आप ये कंपोनेंट। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ये कंपोनेंट मिल जाएगा, पूरा सेटअप मिल जाएगा आपको। और भी ऑप्शन है हमारे पास, कम रेंज में भी है, ज्यादा रेंज में भी है, बजट के हिसाब से हर चीज मिल जाएगी। और इसका MRP कितना था अंदाजे से सार होगा? MRP अराउंड 30-40 के आसपास होगी मेरे ख्याल से। तो देख लो भाई, कम से कम 40 का आपको 80-85 के आसपास। 80 हाँ जी 86 का। तो उतने का पड़ेगा। हाँ ठीक है भैया, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू भाई, थैंक यू। मिलते हैं जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल भैया। ओके जी। चलो अभी आपको थोड़ा सा ना ऑडियो सैंपल सुना देता हूँ। यहाँ पे नॉन कॉपीराइट म्यूजिक मैंने ऑन कर लिया है, वैसे तो फोन की ऑडियो से आपको पता चलेगा नहीं, बट स्टिल मेरा काम है भाई दिखाना आपको, तो कर देते हैं। पे इतनी तगड़ी आवाज आ रही है, देखो पूरा मिरर हिल रहा है। गजब, मतलब जो ट्यूनिंग वगैरह हुई है ना म्यूजिक सिस्टम की भाई, वो एक नंबर हुई है। जैसा मुझे म्यूजिक चाहिए था उसी टाइप का आ रहा है, ना वोकल ज्यादा फट रहे हैं, ना वोकल ज्यादा दब रहे हैं बेस की वजह से, तो प्रॉपर वोकल्स का भी मिक्सर आ रहा है और बेस का भी। और बाकी अगर कोई वोकल्स वाला गाना सुनना है, कोई स्लो सॉन्ग या पुराना सॉन्ग, तो अपना 9-10 की आवाज में सुनता हूँ, और उसमें क्या बेस इतना नहीं आता, बट म्यूजिक प्यारा आता है। तो ओवरऑल तो भाई म्यूजिक सिस्टम को मेरी तरफ से थम्स अप, पैसा वसूल हो गया बिल्कुल।